अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया है। इसमें हमने एक टीस्पून अजवाइन और दो लाल सूखी मिर्ची डाल दी हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और ये अरबी हमने इस तरीके से काटी है, लंबाई में काट ली है। अब इसको हम दो चार मिनट इसको ऑयल में तल लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसको हम थोड़ा सा, जिसका पानी है वो जल जाएगा। उसके बाद हम फिर इसमें और मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी आसान सी सब्ज़ी है मगर टेस्टी बहुत होती है। ये देखिए ऑयल इसका जो है सब अलग हो गया है। बस इतना ही हमको इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो गोल गोल भी सब्जी काट सकते हैं, अरबी को गोल पीस जो कटते हैं उस तरीके से भी अच्छी लगती है। हमने ये थोड़े लंबाई में पीस काट लिए हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी 250 ग्राम अरबी थी। अब इसके साथ मसालों के साथ भी थोड़ा सा भून लेंगे। और अगर आप चाहें तो ये जो हमने लाल सूखी मिर्ची दो ही डाली हैं, आप इसमें चार पांच डाल दें और उसको फिर निकाल लें फ्राई करके, और फिर उसको क्रश करके इसमें डाल दीजिए। उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम दो सीटी लगा लेंगे। आजकल अरबी बहुत अच्छी आ रही है तो बहुत जल्दी से गल जाती है। ये ढक्कन लगा के दो सीटी लगाएंगे हम और फिर उसी की स्टीम में छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा सा इसमें एक हमें खटाई डालनी है, ये अमचूर सूखा वाला जो होती है आम की खटाई, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप नींबू का रस या जो पीसी हुई जो आती है अमचूर पाउडर वो भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं हल्का सा। और हमारे पास तो ये है तो इसलिए हमने ये डाली है। तो दो तीन मिनट इसको हम और पका लेंगे और फिर उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। बस इतनी सी सलसली रखनी है हल्की सी और इसको जो है पराठे बनाइए आप और उसके साथ सर्व कीजिए तो बहुत अच्छी लगती है। और पूड़ी के साथ भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये जो हल्का सा रसा आपको दिख रहा है अभी ये और कम हो जाएगा थोड़ी देर में रखने के बाद। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारी अरबी की सब्ज़ी तैयार हो गई। आसान सी छोटी सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन आजकल के मौसम में ये अच्छी लगती है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।